तो हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। गाइस, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिजिटल अकाउंट्स, एंड इनके थ्रू आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो एंड आप काफ़ी सारी नई निंटेंडो स्विच की गेम्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हो बिना वो फुल MRP प्राइस दिए बिना। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो पूरी वीडियो देखना, बीच बीच में स्किप मत करना, फास्ट फॉरवर्ड मत करना। अगर आपको नहीं लग रहा है तो भी देख लो यार, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा थोड़ा सा, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। तो यार, डिजिटल अकाउंट्स होते क्या है, ये काम कैसे करते हैं, आपको मतलब पूरा का पूरा मैं वॉक थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा एंड अपने निंटेंडो स्विच पे करके भी दिखाऊंगा। एंड गाइज, ये मैं खुद एक हफ्ते से ट्राई करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन इट नाउ। अब मुझे समझ आ गया है अच्छा क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड डू नॉट वरी, मैं आपको इस पूरी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊं, इससे पहले दो चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये आपको डिजिटल अकाउंट मिलेगा, मतलब आपको एक यूज़र ID एंड पासवर्ड मिलेगा जिसको आप अपने खुद के निंटेंडो स्विच पे डालोगे, लॉगिन करोगे, ई शॉप से नॉर्मली वो गेम डाउनलोड करोगे। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं, दिस इज़ नॉट अ वे टू बाय कोड्स। ठीक है, और आप सेकंड बात, आप खरीदोगे कहाँ से? ऑफकोर्स आप खरीदोगे निंटेंडो इंडिया स्टोर इंस्टाग्राम पेज से, बिकॉज मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा भरोसा इन्हीं लोगों पे करता हूँ, ये काफ़ी सीरियसली लेते हैं अपने काम को एंड इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही होता है। अगर आप उनको ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रहे हो तो आई वुड फॉलो देम जस्ट फॉर द इंस्टाग्राम स्टोरीज दैट दे पोस्ट एंड द पोल्स दैट दे टेक, दे आर हिलेरियस एट टाइम्स। तो अगर आपको निंटेंडो स्विच इंडियन कम्युनिटी का पार्ट बनना है ना, तो आप डेफिनेटली उनके पेज को तो सबसे पहले फॉलो करो। तो ठीक है, अब आप समझ गए डिजिटल अकाउंट होते हैं ये, कोड्स नहीं आते हैं आपको गेम के। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि आपको कोई कोड मिलेगा और फिर आपको यूज़ करके वो गेम डाउनलोड करोगे, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे वीडियो में, तो स्किप मत करो ये वीडियो। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको पता लगी निंटेंडो इंडिया स्टोर को, जिसकी लिंक बाय द वे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो सिंपली। अब उसके बाद आपको दो चीज़ें जानना और ज़रूरी है, एक कि प्राइमरी अकाउंट क्या होता है, एक कि ऑफलाइन अकाउंट क्या होता है। तो प्राइमरी अकाउंट होता है वो अकाउंट जो जिसमें आपको प्राइमरी एक्सेस होता है। अगर आप कभी निंटेंडो ई शॉप पे मतलब यूज़र सेटिंग्स करके निंटेंडो ई शॉप सेटिंग्स खोलोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका प्राइमरी है या फिर आपका सेकेंडरी अकाउंट है। ठीक है, तो जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होता है वो वाले अकाउंट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन फिर भी फुल गेम खरीदने से बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं वो। ठीक है, तो अगर आपका प्राइमरी अकाउंट है, आपको विद नेट विदाउट नेट मतलब ऑनलाइन एक्सेस ऑफलाइन एक्सेस एंड मल्टीप्लेयर खेलने का एक्सेस भी मिल जाता है। सेकंड चीज़ आती है ऑफलाइन अकाउंट्स। अब जो ऑफलाइन अकाउंट्स होते हैं ना, वो होते हैं सबसे ट्रिकी, लेकिन इसमें बचता है सबसे ज़्यादा पैसा। तो अब मुझे भी सबसे ज़्यादा ना मतलब वो टेम्पटिंग ऑफलाइन अकाउंट्स खरीदने लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा बचता है, लेकिन इसके कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं। आप ऑफकोर्स ऑनलाइन नहीं खेल सकते हो, आप मल्टीप्लेयर नहीं खेल सकते हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जो सिंगल प्लेयर गेम्स हैं सिर्फ वही एक्सपीरियंस करो ऑफलाइन अकाउंट से। ऑफकोर्स अगर आपको कोई मल्टीप्लेयर गेम खेलनी है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आपको प्राइमरी अकाउंट ही खरीदना पड़ेगा। तो यार, उसके बाद ऑफलाइन अकाउंट्स में ना दो और चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा हैसल है, बट आई विल स्टिल से कि जितना पैसा आपका बच रहा है ना उसके लिए ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो पहला स्टेप है ना, जब आपने डाउनलोड कर ली वो गेम ई शॉप से, उसके बाद जब आपको स्टार्ट करनी है तो नेट ऑन रखना। ठीक है, नेट ऑन करके फिर उसके बाद स्टार्ट करना। गेम स्टार्ट करते ही जो निंटेंडो का लोगो आता है ना आपकी स्क्रीन पे, जैसे ही वो दिखे अपने होम बटन को दबा के रखो, एयरप्लेन मोड पे डाल दो, पूरी गेम खेलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आराम से खेलिए आपने पूरी गेम, कुछ नहीं होगा, एरर नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद जब आपको क्विट करनी है ना गेम, तो अपनी प्रोग्रेस सेव करो, सेव करने के बाद नेट दोबारा ऑन करो सेम प्रोसेस से, उसके बाद जल्दी से क्विट कर दोगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आपके ऑफलाइन अकाउंट्स बिल्कुल स्मूथ चलेंगे, कोई एरर नहीं आएगा। नेट ऑन करके ऑफलाइन अकाउंट्स मत खेलना, एरर आ जाएगा। तो अब यार, ये तो हो गया काफ़ी सारा ज्ञान, अब आपको एक्चुअल प्रोसेस दिखाते हैं। अब आपको बताते हैं कि गेम्स कैसे एक्सेस करनी है, खरीदने के बाद करना क्या एग्जैक्टली, इसमें स्टेप बाय स्टेप। तो नॉट वरी, इस पूरी वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट पे भी मुझसे पूछ सकते हो, आप निंटेंडो इंडिया स्टोर इंस्टाग्राम पेज को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नो वरीज एट ऑल। तो चलो यार, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अब स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स के बाद जाना है यूज़र सेटिंग्स पे, यूज़र सेटिंग्स के बाद आपको यहाँ पे जो ऐड यूज़र दिख रहा है वहाँ पे जाना है। ऐड अ यूज़र के बाद आपने क्रिएट अ न्यू यूज़र पे क्लिक कर देना है, उसके बाद अपनी वही DP वगैरह सेलेक्ट करनी है, निकनेम देना है जो भी गेम आप खरीद रहे हो, उसके बाद लिंक अ निंटेंडो अकाउंट कर देना है,
उसके बाद वो आपसे अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, वो आपको निंटेंडो इंडिया स्टोर प्रोवाइड करेगा, तो आपने वो कोई दिक्कत नहीं, आराम से एंटर कर देना, सही एंटर करना ठीक है, वरना पैनिक करते रहोगे। ये वाली डिटेल्स एंटर करने के बाद वो आपसे ओटीपी मांगेगा, वो भी निंटेंडो इंडिया स्टोर आपको देगा और ये वन टाइम ही मिलता है, तो ध्यान से इसको यूज़ करना। एंड उसके बाद आपने लिंक अकाउंट कर दे, उसके बाद ओके पे प्रेस करो, आगे जाओ एंड अकाउंट हैज़ बिन नाउ एडेड। आप देख सकते हो लुइगी का जो अकाउंट है वो ऐड हो गया बाकी अकाउंट्स के साथ। उसके बाद आप वापस होम स्क्रीन पे आओगे, निंटेंडो ई शॉप पे जाओगे, निंटेंडो ई शॉप उसको खोलने के लिए आप वही अकाउंट यूज़ करेंगे जिस पे आपको वो नया अकाउंट मिला है, जिस पे वो गेम है। उसके बाद आपने स्किप पासवर्ड कर देना, वरना आपको हर बार पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद एंटर पे चले जाओ, एंटर पे जाने के बाद नेक्स्ट जो आपको कहेगा दोबारा पासवर्ड डालना है, तो आपने कोई नहीं, जो आपको पासवर्ड निंटेंडो इंडिया स्टोर ने दिया है वही पासवर्ड दोबारा डाल देना है इसमें, नॉट एन इश्यू राइट, सेम पासवर्ड दोबारा डालना है और ये वन टाइम ही मांगेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे जाना है निंटेंडो ई शॉप में। प्रोफाइल खोलने के बाद आपने वहाँ जाना है री डाउनलोड पे, री डाउनलोड पे जितनी भी गेम्स होंगी उस प्रोफाइल में वो सब आप डाउनलोड कर लो, मतलब अगर आपको चाहिए बाकी गेम्स वो डाउनलोड करने के बाद, मतलब वो वहाँ से डाउनलोड्स इनिशिएट करने के बाद आपने वापस होम स्क्रीन पे आना है। होम स्क्रीन पे आओगे तो आपके डाउनलोड्स स्टार्ट हो चुके होंगे, फिर कुछ नहीं, पॉपकॉर्न खाओ तब तक जब तक गेम डाउनलोड हो रही है, कुछ करो टाइम पास। गेम डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब गेम डाउनलोड होने के बाद जब आप वो गेम स्टार्ट करोगे तो आपको वही अकाउंट ओपन करना है जिस अकाउंट से आपने वो गेम डाउनलोड करी है, तो इसमें लुइगी। तो उसके बाद ये एक चेक आता है, इसके लिए इंटरनेट ऑन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वाले चेक के बाद जब गेम स्टार्ट हो गए उसके इमीडिएटली बाद नेट आपने ऑफ कर देना है, बस इतना ही प्रोसेस है, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप ये सारा का सारा प्रोसेस समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है टेंशन मत लो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आप ये करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कोई प्रोसेस, आप कहीं अटक गए हो, तो डेफिनेटली गाइज कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड गाइज अब आपने थॉट्स बताओ, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आपने किसी और कंसोल में या निंटेंडो स्विच पे भी डिजिटल अकाउंट्स खरीदे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, मोस्टली ना सोल्यूशंस पे फोकस करते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है ना, तो आप बताओ आपके अपने अपने एक्सपीरियंस में कि इसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा स्मूथ बन सकता है, बाकी कम्युनिटी मेंबर्स की भी हेल्प हो जाएगी। एंड गाइज यार अगर इस टेक्निक से आपके थोड़े भी पैसे बचे हैं तो डेफिनेटली डोनेट टू दिस चैनल बाय अ सुपर थैंक्स और UPI ID विच इज़ ऑन योर स्क्रीन एंड इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइज यार आज के वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।